जानी अभी कैसी लो बोले पीछे मैच लो चली जाऊंगी यहां से। जरा तुम्हें पता है तुम्हारी ऐड का कितना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। मुझे नहीं जानता। क्यों नहीं जानता है? इससे और अच्छे मौके मिलेंगे और एड्स मिलेंगे, तुम्हें ऐसा नहीं लगता? अरे क्योंकि मैं जहां पे मेरी शादी होगी और उस लड़के को सब पसंद नहीं हुआ तो ये सब जाके क्या ही फायदा होगा। एग्जैक्टली जनक, एग्जैक्टली मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उससे बात करो, बात करनी पड़ेगी। पूछो उससे कि शादी के बाद वो तुम्हें काम करने देगा या नहीं। तुम कोई कॉमन लड़की नहीं हो। जानती हूँ मैं खुद को, क्या हूँ मैं ये जानती हूँ सर जी। तुम्हारे एग्जाम्स पास आने वाले हैं और मैं चाहता हूँ तुम उनके लिए बैठो। मेरे लिए नहीं, अपने लिए, अपने करियर के लिए, अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। और जब तुम्हारी शादी हो जाएगी ना तो शुरू शुरू में वो लड़का बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि लाइफ टाइम तक वो कैसा रहेगा। बेशक, बेशक हो सकता है। अगर तुम सोच समझ के फैसला लो तो अपने आपको ब्लॉक मत करो, अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो। जनक, लड़के से बात करो, समझो कि वो कौन है, कैसा है, क्या सोचता है। मुझे इंटरेस्ट नहीं है सब, मुझे नहीं जानता। किसकी शादी है जनक? तुम्हारी शादी है, इंटरेस्ट कैसे नहीं है? आपको कोई और बात नहीं करनी क्या? क्या बात करूं मैं? तुम्हें मेरी बात इंपॉर्टेंट ही कहां रखती है? मैं बात ही क्यों करता हूं? ठीक है तो मुझे बताओ इतनी ज्यादा ठंडाई क्यों पी? अरे नहीं जानती हूं मैं, मुझे नहीं पता ओवरडोज कैसे।